हे गाइस व्हाट्स अप। तो हम लोग आज बात करेंगे वोकल कॉर्ड पॉलिप के बारे में। तो पॉलिप इज काइंड ऑफ ग्रोथ, आउटग्रोथ होता है, जानते ही हो, ठीक है। लेकिन वोकल कॉर्ड के केस में ये यूनिलेटरल होता है और पेडंकलेटेड होता है, ठीक है ना। तो ये पेडंकलेटेड यूनिलेटरल होता है, इट इज एज अ रिजल्ट ऑफ वोकल अब्यूज। वोकल अब्यूज करेंगे तो उसका रिजल्ट होता है। एक होता है वोकल कॉर्ड नोड्यूल, वो स्क्रीमर्स नोड्यूल होता है। अगर हमने अननेचुरल टोन में, हमने हाई इंटेंसिटी में ज़्यादा देर तक बात की तो उसके कारण से वोकल ट्रॉमा हो सकता है, लेकिन यहाँ पे वोकल अब्यूज के कारण से होगा, ठीक है ना। तो अपीयर ऑन इधर, ये अपीयर एक पे भी हो सकता है या बोथ पे, यूजुअली यूनिलैटरल होता है। कैन टेक नंबर ऑफ फॉर्म्स, स्वेलिंग का फॉर्म ले सकता है, बम्प का, स्टॉक लाइक ग्रोथ हो सकता है, ब्लिस्टर लाइक लीजन हो सकता है, ठीक है ना। बहुत सारे लीजन करा सकता है, स्वेलिंग ऑन बम्प, स्टॉक लाइक लीजन, ठीक है ना, स्टॉक लाइक ग्रोथ, स्वेलिंग, ब्लिस्टर लाइक लीजन। इट इज टिपिकली यूनिलैटरल, ये यूनिलैटरल बेसिकली होता है, ठीक है ना। अपीयर्स ऑन द फ्री एज ऑफ वोकल कॉर्ड, ये फ्री एज ऑफ वोकल कॉर्ड पे ज़्यादातर देखने को मिलता है, राइट। डिसजंक्शन ऑफ एंटीरियर 1/3 पोस्टीरियर 2/3 एरिया, मैक्सिमम वाइब्रेशन ऑफ कॉर्ड, राइट। तो एटियोपैथोजेनेसिस क्या होगी इसकी, कि वोकल अब्यूज हो गया, एलर्जी, स्मोकिंग, मैन बिटवीन 30-50 ईयर्स, सडन शाउटिंग से हेमरेज होगा इन वोकल कॉर्ड, सब म्यूकोसल इडीमा और पॉलिप बन जाएगा। तो वहाँ पे भी ये इडीमा देखने को मिल रहा था हमें, इडीमा देखने को मिल ही रहा था ना, इडीमा हो जा रहा था, और फिर उसके बाद में अरे हाइपरप्लेजिया हो जा रहा था, हाइपरप्लेजिया ऑफ एपिथीलियम, तो नोड्यूल बन जा रहा था, अरे इन द केसेस ऑफ नोड्यूल्स, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जस्ट हेमरेज होगा और सब म्यूकोसल इडीमा, उसी कारण से पॉलिप बन जाएगा, राइट। तो हम लोग बात करते हैं फीचर्स में, सॉफ्ट स्मूथ एंड ऑफन पेडंकलेटेड, राइट। ये सॉफ्ट होता है, स्मूथ होता है, ऑफन पेडंकलेटेड होता है, पी से पॉलिप, पी से पेडंकलेटेड, याद रखना, सॉफ्ट स्मूथ ऑफन पेडंकलेटेड। मे फ्लैप अप एंड डाउन द ग्लॉटिस ड्यूरिंग एक्सप्रेशन ऑन फोनेशन, ये मतलब कि ग्लॉटिक्स को ये फ्लैप अप या डाउन कर सकता है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ऑफ फोनेशन पे, ठीक है ना। और सिम्टम्स क्या क्या होंगे, हॉर्सनेस होगी, अगेन डिस्निया, स्ट्राइडो, ठीक है ना, ये हॉर्सनेस होगी, ठीक है ना, डिस्निया हो सकता है बंदे को, क्योंकि हाँ भाई पेडंकलेटेड है, ग्लॉटिस को भी अप डाउन फ्लैप कर सकता है ये, ठीक है ना, स्ट्राइडर करा सकता है, इंटरमिटेंट चोकिंग करा सकता है, डिप्लोफोनिया को ले, डिफरेंट वाइब्रेटरी फ्रिक्वेंसी ऑफ टू वोकल कॉर्ड, डिप्लोफोनिया करा सकता है, ठीक है, डिफरेंट वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसी हो जाएगी किसी भी वोकल कॉर्ड की, तो ये कराते हैं डिप्लोफोनिया, राइट। और क्या कराइएगा कि ट्रीटमेंट में इसके क्या करेंगे, सर्जिकल एक्सीजन कर देंगे अंडर ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप, और स्पीच थेरेपी देंगे ताकि रिकरेंस ना हो, ठीक है ना। तो ये बात रही थोड़ी बहुत आपके वोकल कॉर्ड पॉलिप के बारे में, उम्मीद है आपको समझ में आपको। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।